लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आप आए हैं, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता से संपर्क बनाकर जब चुनाव नहीं होता है तो तमाम तरह की उनकी मदद करना, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे उनको लाभ दिलवाने में काम करती है, और जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव कार्यालय खोल के चुनावी दृष्टि से नीचे तक कैसे काम किया जाए उसकी योजना बना के काम करती है। तो उसी दृष्टि से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ सीधी लोकसभा का हो गया है। प्रचंड वोटरों से सीधी लोकसभा जीतना है क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सर, आपने एक बात कही कि तिलक एक का चढ़ेगा बड़ा सभी को चलना है, क्या अभिप्राय है इसका सर, इसके पीछे क्या अभिप्राय है? नहीं, वो तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। नहीं सर, इसका क्या अभिप्राय है, चुनाव को लेकर आपने ये बात कही है तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हमने नहीं कहा, लगता है कोई और बोल रहे थे और आप यहाँ से सुन लिए। सर, इसका क्या अभिप्राय है? ये क्या माना जाए, कब तक उम्मीदवारों का नामों का फैसला हो जाएगा क्योंकि कार्यालय तो खोल दिया गया आचार संहिता लगने के बाद जी? और भैया, राम मंदिर को लेकर क्या माना जाए कि कितना बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में? वो तो इतना बड़ा काम हुआ है, आस्था के ऊपर कोई मुद्दा थोड़ी ना होता है। ये तो ये तो इतना बड़ा काम है कि पूरे देश में खुशी की लहर है, लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो सनातन, जिसको पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के लोग हमारे देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे, वो षड्यंत्र पूरी तरह से विफल हुआ है। भारत एक नए गौरव के साथ, एक नई मजबूती के साथ खड़ा हो गया है भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये मुद्दा तो हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में रहेगा ही कि ये काम किसने किया है और कितनी परेशानियों के बाद ये काम हुआ है। सीधी लोकसभा सीट को लेकर बात करें हम तो, यहाँ पे 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है विधानसभा की, एक सीट खाली हारी है, लेकिन जिस युद्ध स्तर पे आप लोकसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कहीं कांग्रेस को आप मजबूत मानते हैं? नहीं, ये चुनाव हम लोग इसलिए जीतने का में पूरी ताकत लगाते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हमको वो सारे काम कर रहे हैं जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम हो, चाहे अधोसंरचना के मजबूतीकरण का काम हो, यही सब करके हम भारत को विश्व के स्थान पर पहुंचाने का मिशन लेकर राजनीति में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी जीते जिससे कि हमारा मिशन पूरा करने में हमको ताकत मिले, इस उद्देश्य से हमेशा चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। सर, पिछली बार ये लोकसभा सीट महिला सीट थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? अब देखिए, आपको किसी महिला को मौका मिल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे जैसा छोटा आदमी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जिंद को लेकर क्या कहेंगे आप, कितनी सीटें इस बार हासिल करने जा रहे हैं लोकसभा? 4 में 4 सीटें। सर, नीतीश कुमार जी फिर से इस्तीफा दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन के क्या हाल होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।